शिव मंदिर में जाए कोई गलती ना हो, जल चढ़ाए मना नहीं, छींटा ना लगे, धीरे धीरे चढ़ाई। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर कर, फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए जो पत्ती बेलपत्री फूल शिव जी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हो, एक शिवलिंग रखा है लाना, तो ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसमें हमारी गलतियों को हमें छाए। अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाए जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खींचकर और फिर जो माला आदि कादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार, भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा, राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए, कथा रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है, शिव का श्रृंगार। किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए, नहीं है हमारे पास लगाने को रोली मौली चंदन, जो भी आपके पास में अबीर गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का ऐसे से दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जा, दिल से चढ़ाए। और जब भाव से दिल से आप आनंद के साथ देव अधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती ना।